सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के Y27 फोन के कॉन्टेक्ट नंबर के बारे में। अगर आप लोग अपने वीवो के Y27 फोन में कॉन्टेक्ट नंबर सेव करते हो और कॉन्टेक्ट नंबर पे अगर आप लोग चाहते हो अपना खुद का फोटो को लगाना, फाइनली कुछ इस तरीके का मैं आपको दिखाता हूं यहां पर कैसा होता है फोटो कॉन्टेक्ट नंबर पर लगाना। जैसे कि मेरे फोन में कॉन्टेक्ट नंबर है, अब मैं कॉन्टेक्ट के अंदर गया तो कॉन्टेक्ट के अंदर हमारे पास कुछ नंबर्स देखने को मिल जाएंगे एंड इस तरीके का नंबर मैंने सेव किया है। देख सकते हो इस तरीके के नंबर को मैंने सेव किया है, तो इस नंबर को मैंने सेव किया तो इसमें हमारा खुद का फोटो भी लगा हुआ है। तो फाइनली मैं आप लोग को इस वीडियो में यही चीज बताने वाला हूं कि अगर आप लोग किसी का नंबर सेव कर रहे हो कॉन्टेक्ट नंबर पर तो उसके साथ उसका फोटो भी आप लोग लगा सकते हो एंड जब आपके पास वो बंदा कॉल करेगा तो आपके पास उसका फोटो भी आ जाएगा। जब फोटो आएगा तो आप उसको पहचान लोगे आसानी से एंड कुछ लोग होते हैं कि नंबर को पढ़ नहीं पाते हैं, नंबर को पहचान नहीं पाते हैं, तो फोटो को देखने के बाद उनको पहचान लेंगे एंड उससे बात भी कर लेंगे। तो फाइनली दोस्तों, इसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोग कॉन्टेक्ट नंबर पे जब नंबर सेव करते हो तो उसके साथ में आप उसका फोटो भी सेव कर सकते हो एंड कैसे करना है सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बता देते हैं। Welcome to my YouTube channel Technical Salman. तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं आप लोग को, अगर आप लोग कॉन्टेक्ट नंबर किसी के नंबर सेव कर रहे हो कॉन्टेक्ट नंबर के अंदर तो आप उसके साथ में उसका फोटो भी सेव कर सकते हो। जो कि एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, मेरे फोन में कॉन्टेक्ट नंबर पे मैं गया, यहां पर कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट पे मैं आया तो यहां पर मैंने नंबर को सेव किया है। देख सकते हो मैंने अपना नंबर को सेव किया है। तो यहां पर क्या होता है कि दोस्तों, इस नंबर पे सेव करने के बाद हमारा जब यहां पर देखोगे तो फोटो भी लगा हुआ है। मैंने इसमें इस तरीके से सेव किया है। यहां पर जाएंगे एडिटिंग पेंसिल वाले ऑप्शन पे तो यहां पर फोटो रिमूव करने का ऑप्शन, चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप लोग को कॉन्टेक्ट नंबर पे फोटो नहीं सेव है तो आप लोग को कैसे सेव करना है मैं आपको प्रोसेस बताता हूं, सेव करने का तरीका बताता हूं। तो दोस्तों, यहां पर क्या होगा कि आपके फोन में जब आप नंबर को सेव करते हो, जैसे कि कॉन्टेक्ट नंबर पे आते हो एंड किसी का भी नंबर अगर आप लोग सेव करते हो तो यहां से सेव करना चाहोगे, यहां पर आपको ऐड का ऑप्शन, क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है, ईमेल आईडी भी आपका देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, यहां पर क्या होता है कि जब किसी का नंबर आपको सेव करना हो तो आपको अपने फोन के डायलर के अंदर आना है। अब डायलर के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, डायल पे क्लिक करना है एंड यहां पर आपको नंबर को डाल लेना है और नंबर आपका होता है 10 अंक का। तो देख सकते हो मैंने 2, 2, 4, 2, 6, 7 यानी 7 और यहां पर देख सकते हो मैंने एक अंक यहां पर डाल दिया, 10 अंक का नंबर हो चुका है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहां पर ऐड तो कॉन्टेक्ट नंबर, तो कॉन्टेक्ट नंबर पे आपको क्लिक करना है एंड यहां पर आपको इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, क्रिएट नाउ कॉन्टेंट, तो यहां पर आपको क्लिक करना एंड यहां पर इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, नाम को लिखना उस बंदे का जिस बंदे का आपने नंबर को सेव कर रहे हैं। तो यहां पर आपको उस बंदे का, मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, आप अपने हिसाब से जिसका नंबर सेव कर रहे हो उसका नाम लिख सकते हो। तो मैं कुछ अपना ही नाम लिख देता हूं यहां पर और मैंने यहां पर नंबर को सेव कर लिया। यहां पर हम लास्ट नाम लिखेंगे, चाहो तो लिखो चाहो तो ना लिखो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर सेव कर देना। अब यहां पर क्या होगा कि आपका नंबर सेव हो जाता है। सेव करने के बाद आपको यहां पर कुछ नहीं करना, आपको आ जाना है कॉन्टेक्ट के अंदर। कॉन्टेक्ट यहां पर दिखेगा, कॉन्टेक्ट के अंदर आने के बाद आपको यहां पर सर्च कर लेना है नाम को। मैंने इस वाले नंबर को सेव किया था और यही नंबर है, देख सकते हो, जो कि इस वाले नंबर को मैंने सेव किया था। अब क्या होगा दोस्तों, इसे ओपन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पेंसिल का ऑप्शन दिख रहा होगा, पेंसिल वाले पे आपको क्लिक करना है एंड यहां पर आपको प्लस का एंड इमेज लगाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना एंड दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर क्या होगा, एक होता है कि कैमरा से तुरंत आप लोग फोटो क्लिक करके उस बंदे का सेव कर सकते हो, या तो अगर आप लोग एल्बम के अंदर अपना फोटो या बंदे का फोटो रख रखे हो तो एल्बम के अंदर से भी लगा सकते हो। एल्बम के अंदर तो होगा नहीं, आप कैमरा से यहां से क्लिक करोगे एंड इस तरीके से फोटो को क्लिक कर लोगे, जो कि यहां पर मैं दिखाता हूं, इस तरीके से क्लिक करोगे एंड क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है एंड इस तरीके से आपको फोटो को मेंटेन करके एंड सेव कर देना है। तो इस तरीके से आपका फोटो सेव हो जाएगा। यहीं पे अगर आपके एल्बम के अंदर है तो आपको यहां पर जाना है और एल्बम के गैलरी के अंदर जाना है एंड गैलरी के अंदर से आपको क्या होगा कि कैमरे के अंदर अगर फोटो रखे हो तो आपको फोटो को लेना है यहां से और यहां से फोटो को लेकर आपको सेव कर देना है।
मैं दिखाता हूं इस तरीके से फोटो को उठाना है एंड यहां पर क्या करना है आपको क्लिक करके और सेव पे क्लिक करना है, ये आपका फोटो सेव हो जाएगा। यहां पर क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग फोटो सेव कर सकते हो। और इनमें फोटो सेव करने के लिए यहां पर कुछ नहीं करना होता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, यहां पर आपका फोटो सेव हो जाता है। अब क्या होगा दोस्तों, इस बंदे ने अगर आपके पास इस तरीके से कॉल करता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, तो कॉल करता है तो फोटो इस तरीके से आपके फोन पे आ जाएगा। लेकिन यहीं पर क्या होता है कि इसमें फुल फोटो नहीं दिख रहा आपको गूगल के डायलर के अंदर, और मैं आपको बताऊंगा वीवो के डायलर के अंदर आपको फुल फोटो देखने को मिल जाएगा इसी नंबर का, जब मैंने फोटो को सेव किया है। तो क्या होगा दोस्तों, यहां पर आपको क्या करना है, अगर आपको फुल फोटो देखना है तो आपको आना है अपने फोन के सेटिंग के अंदर, और सेटिंग आपको मिल जाता है यहां पर। सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, नीचे आपको मिल जाता है एप्स का ऑप्शन, एप्स पे आना है, और उसके बाद दोस्तों नीचे मिल जाएगा आपको इनेबल फोन एंड कंटेंट पे क्लिक करके एंड यहां से आपको ऑन करना है एंड अपने वीवो के डायलर को रिमूव कर देना एंड गूगल डायलर को ले लेना है। तो यहां पर आपको सेट नाउ पे क्लिक करके एंड यहां पर वीवो का डायलर है और यहां पर आपको बैग हो जाना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखोगे तो आपके फोन में वीवो का डायलर आ चुका है एंड यहां पर देख सकते हो। अब क्या होगा, मैं इसी नंबर पर फिर से कॉल करने वाला हूं और कॉल करके आपको दिखाता हूं। तो यहां पर मैंने इस नंबर पे फोटोज को सेव किया था एंड इस तरीके का हमारा फोटोस आ जाता है जो कि कॉन्टेंट नंबर पे। तो फाइनली इस तरीके से अगर आप लोग कॉन्टेंट नंबर पे फोटो को लगाना चाहते हो, किसी के नंबर सेव करना चाहते हो एंड उस पर फोटो भी लगाना चाहते हो, तो फाइनली इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग लगा सकते हो। और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, मैंने आप लोग को डायलर को भी चेंज करने के बारे में बता दिया एंड इसमें आपको गूगल डायलर एंड वीवो का डायलर दोनों के तरीके में बताया हूं एंड दोनों के कॉन्टेंट नंबर पर आप फोटो को लगा सकते हो। तो फाइनली आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज हमारा वीडियो अच्छा लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के इंप्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।